तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट। न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट। छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं, अभी शुरुआत है, आगे चलते रहेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम फ्रॉम अ पॉइंट एट 118 वोल्ट टू अ पॉइंट एट 128 वोल्ट। अब इस क्वेश्चन को पढ़ोगे आप तो समझ में आ रहा है कि वर्क निकालना है, W निकालना है। गिवन लिख लो पहले, गिवन क्या क्या है, गिवन GIVEN, गिवन मैंने क्या दिया है, W हमें तो निकालना है शायद। हाउ मच वर्क डन, W निकालना है, और Q दे रखा है, Q दिया है 2 कूलम, 2 कूलम दिया हुआ है, और क्या है PD, V, डेल्टा V हो जाएगा 118 एंड 128 माइनस 118, दैट इज 10 V। तो हमारे पास रिलेशन है V इक्वल टू W अपॉन Q, मैंने डिस्कस किया था ये रिलेशन, V इक्वल टू W अपॉन Q। V आया हमारा 10, 10 इक्वल टू W हमें निकालना है, Q हमें दिया हुआ है, Q कितना दिया है, 2 दिया है, तो W इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 इंटू 2, दैट इज 20। और वर्क की जो यूनिट होती है जूल होती है। ये सिंपल सा क्वेश्चन, क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर ये रहा आपका सोल्यूशन। सेकंड, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलाम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू 6 वोल्ट, ईच कूलाम। सेकंड क्वेश्चन क्या क्या दिया है, V दे रखा है आपको, अभी V इज गिवन 6 वोल्ट, Q इज गिवन 1 कूलाम, एंड वट यू हैव टू फाइंड आउट एनर्जी, दैट इज ऑल्सो वर्क। तो V इक्वल टू W अपॉन Q, इससे कर लेंगे, निकल आएगा आपका, है ना। थर्ड क्वेश्चन कर लें या निकाल लोगे, V 6 Q 1 कूलाम, V इक्वल टू W अपॉन Q, ये कर लेना, ये रिलेशन में रख लेना। थर्ड क्वेश्चन है, कैलकुलेट द PD बिटवीन 2 टर्मिनल ऑफ बैटरी ऑफ 100 जूल ऑफ वर्क रिक्वायर टू ट्रांसफर 20 कूलाम फ्रॉम 1 टर्मिनल ऑफ बैटरी टू अदर। 2 टर्मिनल है बैटरी के, जिसमें से आपको PD निकालना है, और 100 जूल ऑफ वर्क, W दिया हुआ है अभी, और Q भी दिया हुआ है। रिलेशन क्या हो जाएगा, डेल्टा V इक्वल टू W अपॉन Q में रखेंगे, निकल आएगा डेल्टा V। डेल्टा V किसे कहते हैं, चेंज इन वोल्टेज, चेंज इन VOLTAGE, वोल्टेज को डेल्टा V कहते हैं, डेल्टा V इसी रिलेशन में रखेंगे, निकल आएगा। फोर्थ वन, एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉज अ करंट ऑफ 0.25 एम्पियर फॉर 20 मिनट्स, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लो थ्रू द सर्किट। यस, दिस क्वेश्चन आई विल सॉल्व फॉर यू। तो इस ढंग से करेंगे इसको। अब ये नोट कर लिया होगा आपने, कर लीजिए जल्दी से पॉज करके इसको। अब मैं इसको इरेज करने जा रहा हूँ, इसको सॉल्व कर देता हूँ आपका, है ना, कर लो, कुछ नहीं, सिंपल है, ये हो गया। अब ये क्वेश्चन है हमारा, इसमें दिया है हमें I, करंट I दे रखी है, I की वैल्यू 0.25 एम्पियर दे रखा है, और उसके बाद आपको दिया है टाइम दे रखा है, टाइम T इज गिवन 20 मिनट बच्चों, MINUTES। आप जानते हो रिलेशन क्या है, जूल पर सेकंड, ये मिनट में दिया है, तो हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, किसमें, सेकंड में, 20 मिनट दिया है ना, 20 मिनट, तो 20 × 60 दैट इज 6 × 12, 1200 सेकंड, 1200 सेकंड हो गया, है ना, टाइम ये हो गया आपका 1200 सेकंड। अब हमारे पास रिलेशन क्या है, I इक्वल टू, मैंने डिस्कस किया ना, Q/T, I इक्वल टू Q/T, Q वी हैव टू फाइंड आउट, Q हमें निकालना है, क्वेश्चन पढ़ेंगे आप, Q निकालना है। तो I हमारा है 0.25 × Q/T 1200, तो Q इक्वल टू हो जाएगा आपका 1200
into 0.25. That is 1225 za. अरे एक मिनट, यहाँ पर ये इंटू का साइन ये इक्वल होगा हाँ, तो 1225 जा ये होता है 300। टेबल भी याद होना चाहिए, क्या निकाला हमने, क्यू क्यू की यूनिट सी 300 कूलाम, ये आ गया 300 कूलाम। सिंपल था, हमें दे रखा था करंट आई इतना और टाइम दे रखा था मिनट में, जूल पर सेकंड उसकी यूनिट होती है, तो मिनट तो यूनिट नहीं है, तो जूल मिनट को हम सेकंड में बदलेंगे। 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड, तो 20 मिनट इक्वल टू 20 into 60, दैट इज 1200 सेकंड। रिलेशन इज आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, आई इज गिवन 0.25, क्यू वी हैव टू फाइंड आउट एंड टी वी हैव टू गेट दैट 1200 सेकंड्स एंड क्यू इक्वल टू 1200 into 0.25, दैट इज 300 कूलाम। ये हो जाएगा, ये कर लिया होगा आपने, ये आ जाएगा आपका, क्या निकालना था आपका, दिया जाएगा 6 है ना, और ये आपका डेल्टा वी डब्ल्यू अपॉन डेल्टा वी डब्ल्यू अपॉन क्यू, कौन सा था थर्ड, कैलकुलेट द पीडी बिटवीन द टर्मिनल ऑफ बैटरी 100 जूल, तो मीन्स 100/20, दैट इज 5 वोल्ट। ओके